हाय दोस्तों, स्वागत है आपका चाचा रंगीला के साथ। तो आज हमने सोचा है कि थोड़ा सा चेहरे की मरम्मत सी करा ली जाए, थोड़ी शेविंग वगैरह करा लेते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारा घर है छोटा सा, ये हमारा मोहल्ला है, ये एक छोटा सा घर है हमारा। अभी हम सोच रहे हैं कि अब हम चलते हैं यहाँ से हज्जाम भाई की दुकान पर, जिसको वो नाई भाई बोलते थे। तो अब हम चलते हैं नाई भाई की दुकान पर। ये मोहल्ला है हमारा, ये गांव है छोटा सा, अम्मी शिवपुरी। और ये हमारे प्रहलाद भाई हैं। ये कह रहे हैं जी हम भी जाएंगे घूमने के लिए शिवपुरी। ये बानी और ये हमारे विनोद जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये रास्ते में हमें मिले हैं, हम जरा हज्जाम के हैं, जा रहे हम हैं भी थोड़ी सोच सी रहे हैं मरम्मत जाने के कराने लिए के लिए। शिवपुरी, बहुत अच्छा लगा। हम चल दिए हैं हज्जाम की दुकान पर, ये गाँव छोटा सा हमारा। ये हमारा गाँव बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ है। ये सामने देवी माता का मंदिर है, तो वो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये घनश्याम शर्मा जी हैं, ये हमारे तरुण हैं। ये इनके पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है, ये डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं अपना जो दवाई लेने के लिए। और ये हमारे पुलकित शर्मा जी, इन्होंने मुंह फेर लिया पीछे को ये। और बस थोड़ी सी दूर हमारे हज्जाम की दुकान है, अब हम वहाँ चलते हैं। हम आ चुके हैं अपने निक्की भाई की शॉप पर, थोड़ा सा चेहरे की फिनिशिंग करानी है। और ये हमारे गांव का ही बच्चा है, बढ़िया लड़का है। ये काकू बैठे हैं, देखो ये भी अपना थोड़ा सा कराने आए हैं कटिंग वगैरह। ये हमारे निक्के भाई हैं, ये करते हैं हमारे चेहरे की मरम्मत। ये देखो निक्के भाई काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे अपनी फिनिशिंग कराने के लिए। तो दोस्तों अब मैं सीट पर बैठ चुका हूँ अपनी मरम्मत कराने के लिए। ये अब काम चालू हो चुका है, देखो आगे का जानकारी आपको मिलती रहेगी। और ये हमारे निक्के भाई हेमंत शर्मा जी की कटिंग और शेविंग करते हुए, साथ में हमारा नंबर अभी लगने वाला और आगे ले। आइए दोस्तों थोड़ा सा बुलेट की सवारी कर लेते हैं, और बुलेट की सैर थोड़ी सी कर लेते हैं। अभी हम बच्चों को लेने के लिए स्कूल से जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं बुलेट कैसे। काफ़ी दिनों बाद आज बुलेट पे बैठा हूँ, तो बड़ा ही अलग सा फील हो रहा है। बुलेट स्टार्ट होने में भी थोड़ा सा उसने समय लिया, और अच्छा लग रहा है। वैसे मौसम भी है थोड़ा सा अभी बुलेट चलाने के लायक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है चाचा रंगीला के साथ आप सभी का। ये मैं अपने बच्चों की टीम को लेकर के अभी निकला हूँ, इनकी बुआ के यहाँ जा रहे हैं आज हम। ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं, विनीता चौधरी धनखड़ जी, और ये हमारे बच्चे हैं। अभी हम अपनी इनकी बुआ के यहाँ इनको लेकर के जा रहे हैं। आज हमने छुट्टी का था हमारा आज, इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया घूमने के लिए, इनको घुमाने के लिए। और अब हम भूड़ चौराहे बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं, और हम बुलंदशहर भूड़ चौराहे पर पहुंच गए हैं। और ये भूड़ चौराहे हम पार कर चुके हैं, अभी हम हाईवे से। ये देखिए बहुत ही सुंदर है यहाँ पर नज़ारा, बहुत ही प्यारे प्यारे गमले लगे हुए हैं जो यहाँ पर। फुलवाड़ी बड़ी अच्छी प्यारी फुलवाड़ी है। इतनी सारी भेड़, रुक दो। ये देखिए रास्ते में हम जा रहे थे, तो कितनी सारी भेड़ आई है हमारे सामने भेड़। ये दिल्ली खुर्जा हाईवे, अब हम हाईवे पर चल रहे हैं, बच्चों की बुआ के यहाँ जा रहे हैं, यानी हमारी बड़ी बहन जी के यहाँ पर। और थोड़ा सा समय लगेगा बस हमें पहुँचने में, थोड़े से ही समय में हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए सामने फ्लाईओवर, कितना
कितना सुंदर नजारा लगता है सामने का ऊंचाइयों का। ये बहुत सुंदर नजारा। और बस कुछ ही पल रह गए हैं हमारे पहुंचने में हमारी बहन जी के यहाँ पर। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपनी दीदी के यहाँ पर। यहाँ का नज़ारा है, ये बिल्कुल खुले में रहते हैं जंगल में बिल्कुल। ये एक अकेला यही मकान बना हुआ है, बच्चे भी मज़े ले रहे हैं एंजॉय कर। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी दीदी के यहाँ पर। हाँ जी है कोई गड़बड़? ओए हम पहुंच गए अपनी दीदी के यहाँ। दीदी अंधेरे में पड़ी हुई है, ये देखो हमारी बहन जी बीमार है क्या? नहीं बीमार नहीं है, सर्दी में सो रही है। ये देखिए नमस्ते बहन जी। ये देखो ये बच्चे हमारे, ये है शूटी शूटू शूटू शूटू, ये शूटू है। ये देखिए